तो गाइस ये देखो बैंक बर्फ पड़ने लगी। ये देखो मेरे बर्थडे के लिए तो कपड़े खरीद रहा गिफ्ट कर रहा। चेंजिंग रूम का असली फायदा तो राहुल उठाता है। देखो अभी मैं जस्ट घर को जा ही रहा था तो मुझे कुछ लोगों की आवाज आई, मुझे लगा कि कोई पैसे मांग रहे हैं। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो यार मुंबई के आने के बाद ना ये मेरा पहला व्लॉग है हल्द्वानी में, और ये 2023 का हल्द्वानी में पहला व्लॉग है मेरा। और मुंबई से फिलहाल मैं 20 तारीख को आ गया था और आज है 25 तारीख, और इतने दिनों से मैंने व्लॉग नहीं किया था बिकॉज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में। चलते रहती हो तो हर किसी की लाइफ में चलते रहती प्रॉब्लम्स, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स तो मैंने अभी सोचा कि अभी थोड़ा साइड रखते हैं, व्लॉगिंग पे भी ध्यान देते हैं बिकॉज बहुत लोग कह रहे थे यार दीपक भाई व्लॉग बनाओ, और मेरे व्यूज भी बहुत कम आए लग गए पहले से। अभी मैंने एक लास्ट वाला व्लॉग था वो मैंने कल अपलोड किया था, एमसी स्टैन वर्सेस एमवीओ बंटाई वाला, तो वो वाला व्लॉग की स्टार्टिंग भी मैंने पता हल्द्वानी से करी थी। वो किसी को पता नहीं होगा आई थिंक, तो बताया था कि उस व्लॉग की जो स्टार्टिंग का इंट्रो है ना वो मैंने यहीं आके शूट किया, बिकॉज वहाँ जाके मैंने शूट नहीं किया था, वो जस्ट मैंने जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया था बिकॉज लास्ट दिन था मैं वहाँ पे, मैं सोचा था कि यार रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सो फिलहाल यार अभी आज है 25 जनवरी और कल है 26 तारीख, कल यार मेरा बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा बहुत शॉपिंग करने चले जाता हूँ, आज थोड़ा कपड़े ले लेता हूँ बिकॉज बर्थडे में यार कपड़े तो ले ही लेते हैं, हमारे पास पैसा तो इतना ही है कपड़े ही ले सकते हैं और तो कुछ ले नहीं सकते, वरना लोग तो कार आ लेते हैं। बट कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, देखता हूँ मैं क्या लेता हूँ, वैसे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा मेरे क्या लेने वाला हूँ, तो वहीं जाके देखूंगा कुछ चीज़ पसंद आ गई तो ले लूंगा, वरना देखते हैं। और मेरे शूज़ भी लेने बिकॉज मेरे शूज़ सारे खराब हो रखे हैं, तो मुझे शूज़ भी लेने हैं आज। शूज़ भी मैं नॉर्मल ही लूँगा, ज़्यादा कुछ अच्छे उतने खास नहीं लूँगा, नॉर्मल प्राइस में लूँगा क्योंकि अभी मेरे पास उतना बजट भी नहीं है बिकॉज मैं अभी मुंबई से आ रखा हूँ, तो मुंबई में मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था, मतलब होने को तो वैसे जो भी खर्चा था वो मेरा ही हुआ था, मेरे मतलब जो मैं यहाँ शूट्स पे गया था उससे पैसे मिले तो वही वाले पे खर्च हुए थे। और आई थिंक मैं हल्द्वानी एक दो महीना और रुकूंगा और उसके बाद वापस से मैं मुंबई जाऊंगा, और इस बार मैं मुंबई शायद से बाइक लेके जाऊंगा बिकॉज यार बिना बाइक के वहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल है ट्रैवल करना, और बाइक होगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, वहाँ पे ही मोटो व्लॉग करेंगे बिकॉज अपना मोटो व्लॉग का जो हेलमेट है वो ले जाऊंगा मैं। होने को तो वैसे आज ही मोटो व्लॉग करेंगे बहुत दिनों बाद, वैसे मैं आज बहुत दिनों बाद मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, मुझे अराउंड याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम कब किया था मोटो व्लॉग, तो फिलहाल निकलते हैं अभी। मैंने सचिन को बोल दिया अभी, वो भी आ रहा है मेरे साथ। गाइस ये देखो मेरे गोप्रो में ना चार्ज ही नहीं, और मैं गोप्रो को महंगे मोटो ब्लॉक के लिए ले जा रहा हूँ। हजरे बनते हैं हमारे वहाँ, तेरे लिए बनाए बना रहे ना, कल तेरा हैप्पी बर्थडे है, जब तू कैसे हो रहे तेरे लिए बनाएंगे चाय के साथ नाश्ता तेरा। हमारे उत्तराखंड में ना उतरैणी होती है, तो इस बार ना हम लोग, मैं मतलब उत्तराखंड में था ही नहीं उतरैणी के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो है ये बनते हैं, और ये मैंने खाए भी नहीं था, तो तब बेले बना रहे नानी लोग, माला बनाएंगे फिर तेरे गले में डालेंगे, बच्चे करते हैं यार नानी। आप मेरे बच्चे ही डरा, मैं जा रहा हूँ कपड़े लेने के लिए। मैं तो आपको बताया नहीं कि आजकल नानी आ रखी है, तीन चार दिनों से हमारे घर में नानी आ रखी है, जब से मैं मुंबई से आ रखा हूँ ना तो मेरे से मिलने के लिए नानी आ रखी है आजकल हमारे घर पे। नानी कल बर्थडे में क्या देने वाले थे मुझे? कुछ भी दूंगी, बताते नहीं है, बताते नहीं। सो फिलहाल सचिन वेट कर रहा, चलो चलते हैं यार कपड़े वपड़े खरीदने के लिए। रफी ये रहा, और ये रहा डॉलर। ये यार ये देखो बहन, मेरे साथ ही होता है ऐसा, मतलब मैं कहीं अगर जाता हूँ तो ये भयंकर बारिश हो जाती है या कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। अभी बारिश होगी बाहर, अब इतनी देर से बारिश नहीं हो रही थी, अब बारिश हो गई और धूप निकल लगी फिर भी बारिश हो रही है। तो गाइस ये देखो भयंकर बर्फ पड़ने लगी, ये देखो बर्फ पड़ रही है, पहली बार देख रहे होगे, ये देखो बाहर कितने बर्फ गिर रही है। ओ भाई अबे पूरी बर्फ गिर रही है, तो बारिश कम गिर रही बर्फ ज्यादा गिर रही होगी, वैसी बर्फ नहीं है, जो वैसी बर्फ होती है ना वाइट वाली वो वाली बर्फ नहीं, ये दूसरी वाली बर्फ है। डॉलर ओए ठंडा लग रहा, ठंडा लग रहा तुझे? चलो भाई थैंक गॉड, चलो बारिश खत्म हुई, आधे घंटे तक रुका था तब जाके बारिश खत्म हुई है। देखो गाड़ी को मैंने स्टार्ट रखा है, चलते हैं। तो गाइस फिलहाल हम लोग आए थे अभी कपड़े लेने के लिए, मैंने ना अपने लिए शॉपिंग कर ली है, बट मैं अभी दिखाने वाला नहीं हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग करी है बिकॉज कल बर्थडे मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ कल ही रिवील करूंगा मैंने क्या ले रखा। वैसे मैंने खाली एक जैकेट ही ली है जो कि मैं कल दिखाने वाला, बहुत तगड़ी ले रखी, मतलब मजा आ जाएगा, सही लिए ना? मस्त है। अभी फिलहाल कुछ खाने चलते हैं, भूख लग रही है यार। ओए सचिन ऑर्डर कर दे, क्या खिला रहा फिर तू आज? मैं खिलाने ना, तू ही पैसे देगा अभी, तूने पेमेंट कर दी ना? पेमेंट नहीं करी अभी, कर तो करेगा। अबे मैं कुछ नहीं पेमेंट करने वाला, ये खिलाने वाला है, कल मेरा बर्थडे है कल मैं खिलाने वाला हूँ, तो आज ये नहीं, आज ये फ्री पार्टी, आज आज ये खिलाने वाला है मुझे, स्टार्टर सभी से शुरू हो जा रहा है। ले आ ले आ ले आ ले आ ले आ, तेरी पार्टी आज की, सचिन करा रहा पार्टी। तो भाई हमारे छोले भटूरे तो आ चुके हैं,
अब हम इन्हें खाते हैं और आपको मिलते हैं इनके खाने के बाद। मालिक अब ये छोले भटूरे हो गए तो एक कोल्ड ड्रिंक भी हो जाए। ठीक हो गया, मंगा दो फिर कोल्ड ड्रिंक मंगा दो। इतना खर्चा हो गया तो इतना खर्चा और सही। गाइस ये देखो मैंने ये लिया, अभी घर जाके पहन के दिखाऊंगा मैंने कैसा लिया, मतलब कैसा लग रहा है अभी, क्योंकि यार रोड पे क्या ही पहन के दिखाऊंगा, घर जाके दिखाऊंगा क्या लेगा। अभी घर को चल रहा है, कहाँ चल रहा है? घर को चलो भाई, घर को ही चलेंगे और कहाँ जाएंगे। देखो इतना ट्रैफिक लगा है, इसको स्नैप बनाने की पड़ी है। अबे स्नैप बना लियो तो आ जा। इस रोड में इतना ट्रैफिक और देखो यहाँ को ट्रैफिक ही नहीं लगा है। सर हम लोग ना शॉपिंग करने के लिए आए थे, यहाँ पे हमको दो लोग और मिले हैं। ये देखो तुम लोग भी शॉपिंग करने आ रखे हो, लड़कियां ही बोल रही होगी, फिगर हो तो धीरज जैसा हो। अबे नहीं ना कुछ नहीं होगा, उतनी गाड़ियां लगी है तेरी तो स्कूटी और पुलिस कह रही है महंगा कार टोक ऑन कर रहे हैं। अबे इसके बाद यहाँ बैठेंगे। देख भाई ये देखो रॉन्ग साइड से लोग भी डाल ले गाड़ी अपनी। तू एक बार वहाँ देखना ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एंकर निकल नहीं। अबे ऐसी चिपक चिपक के हो रही है, बड़ी मुश्किल से आए हैं। मेरे बर्थडे के लिए तो कपड़े खरीद रहा? नहीं तो तेरे को गिफ्ट कर रहा हूं। गिफ्ट कर रहा है? अरे गिफ्ट कर रहा हूं ये सारी बॉम्बर, मैं कॉल ले लूं। ये बॉम्बर होना है, बॉम्बर तो है ये ना, बॉम्बर तो है। बस ऐसा है ना, मैंने तो अपने कपड़े ले लिए थे, मैं इन लोगों के लिए देखने के लिए आया था कपड़े, बट मुझे यहाँ पसंद आ गया तो मैं एक और लेने वाला हूँ यहाँ से। भाई यार सच में बहुत पैसा खर्च हो गया यार। उसको देखो जब चेंजिंग रूम दे रखा है अंदर फिर भी यहीं चेंज कर रहा है। तेरे में सही लग रहा है, ज्यादा ही ढीला ढाला हो रहा है। अबे ज्यादा ही, अबे तूने सोने की चेन बना ली? चुप यार, अभी बेटी बड़ी गली मार आएगी। चेंजिंग रूम का असली फायदा तो राहुल उठाता है। देखो चेंजिंग रूम दे रखा है फिर भी बाहर चेंज कर रहा है, चेंजिंग रूम के जस्ट बाहर। क्या पसंद आया फिर राहुल? ये जो तेरे हाथ में है वो तो मेरा है, वो तो भूल जा। तू ऑलिव ले ले भाई, तू ले ले ऑलिव। चलो फिलहाल फाइनली हमने कपड़े ले लिए यहाँ से। सो एक और चीज हमने यहाँ से परचेज कर ली है। धीरज भाई, धीरज भाई स्टारबक्स चलें? स्टारबक्स तो छोटा हो गया यार। गाइस हम सोच रहे कि स्टारबक्स चलते हैं, बट अभी याद आया कि हम लोग हल्द्वानी में, यहाँ स्टारबक्स नहीं है। जेब मार डाली करके चेक कर ले यार, तो और बता घूम चारों तरफ घूम। हेलो बोल दे एक बार। अभी मैं जस्ट घर को जा ही रहा था तो मुझे कुछ लोगों की आवाज आई, मुझे लगा कि कोई पैसे मांग रहे हैं, फिर बाद में पता लगा रहे तो ये है। अरे ये कौन से जमाने का पर्स है? ओए भाई कौन से जमाने का पर्स है? बस अब मैं दिखाऊं? तू मेरे यार, तू मेरा काम करते सुन। अब मैं कैमरा बंद कर। क्यों बंद कर? तो कैमरा बंद कर। देखो जो होगा कैमरे के सामने होगा। दीपक कैमरा बंद कर यार। नहीं ना, जो होगा कैमरे के सामने होगा। तेरा मुंह मत कर यार। एक बात बताऊं, कल मेरा बर्थडे है, मैं शॉपिंग करके आ रहा हूं। देखो दीपक कैमरा बंद कर। मैं नहीं कर रहा कैमरा बंद, मैं अपनी प्राइवेसी रीजन के चलते मैं कैमरा ऑन रखता हूँ, जिससे कि कोई मुझे आके धमकी हमकी कुछ भी दे दे या फिर कुछ मारे तो मेरा कैमरा हमेशा ऑन रहना चाहिए ना इसलिए। अच्छा सुनो फिर, भूख लगी है? कल आना फिर। ये मार का खोपड़ी तोड़ साले का। कल मैं भंडारा कराने वाला हूँ, गरीब लोगों को खिलाने वाला हूँ खूब खाना। सो अभी फिलहाल हम लोग आ रखे हैं खाने के लिए, हम लोग पंचायती। राहुल भाई तुम्हें कैसा लगा फिर स्टारबक्स पे आके, हल्द्वानी के स्टारबक्स में? ले लेगा, ले लिया ये, ले लिया मैंने। अभी यहां पर आओ, व्लॉग में आना है ये। देखो अच्छा अब बताओ सब्सक्राइबर हैं? ले लिया मैंने व्लॉग में। एक बात तो बता भाई, इतना मोटा चश्मा क्यों लगाया? कितना पावर है? मैं व्लॉग देखता है ना भाई, चश्मा लग गया यार, इतना मोटा चश्मा लग गया। क्या बोल रहा है भाई, मानोगे नहीं हम जो कपड़े ला रखे हैं आज ना, मतलब अपनी लाइफ में सबसे महंगे कपड़े लियोगे ना आज। राहुल
राहुल ने लिए ना, मैंने सुना लिए, मैं तो ले रहा था। मैंने तो लिए, मैंने और राहुल ने सबसे पहले, मतलब पहली बार है कि मतलब हमने इतने महंगे कपड़े लिए हैं। तो गाइस फिलहाल अभी आ चुका हूं मैं घर पे और इस व्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा चैनल का, वो भाई रैप गाता है। तो यार अगर किसी को रैप में इंटरेस्ट है, किसी को मतलब रैप सुनना अच्छा लगता है, वो भी उत्तराखंड का ही है, तो मैं भी चाहता हूं कि यार उत्तराखंड से बहुत सारे जितने भी न्यू क्रिएटर्स है वो आगे बढ़े और मतलब किसी चीज़ में भी हो, व्लॉगिंग में, सिंगिंग में, किसी भी चीज़ में, तो वो आगे बढ़े। तो मेरे से जितना हो सके सपोर्ट मैं तो करूँगा हर बंदे को। तो फिलहाल मैंने उस चैनल का लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार चेकआउट कर लेना। रैप गाता है वो भाई, मैंने सुना था तो मुझे थोड़ा ठीक एक लगे, तो जानने वाला ही अपना, तो जाके एक बार थोड़ा विजिट कर लेना, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना एक बार। सो हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।